तो गाइस आज विपक्ष ने पूछा मेरे से कि यार तुम गेम प्ले कैसे रिकॉर्ड करते हो। मैंने कहा बस भाई आईपैड उठाओ, मैच स्टार्ट करो और भाई बंदों को पेलना शुरू करो। तो इसने कहा गेम प्ले रिकॉर्ड करना टफ होता होगा। मैंने कहा भाई टफ होता है पर कभी कभी जब ऐसी सिचुएशन हो तुम्हारे आगे। अभी मैं विपक्ष और मेरे में उतर चुके थे जॉर्ज पुल पे और भाई एक तो यहाँ पे इतना ज़्यादा पिंग हाई हो रहा था और भाई ऊपर से मेरे टीममेट ने सामने से गन उठा ली। पर यार इसने मुझे गन लास्ट में दे भी दी पर यार पिंग हाई था तो देखना उस बंदे ने मुझे कैसे नोक करा। ले लो मेरे पास आना, मैं तुझे गन देता हूं, मैं वो भी। अभी यार जब सामने वाला यूट्यूबर तुम्हारे से पूछे कि हाँ भाई गेम प्ले कैसे रिकॉर्ड होता है और भाई तुम उस मैच में उतर जाओ पहले ही बंदे से पिट जाओ तो मतलब भाई थोड़ी सी इमेज डाउन हो जाती है यार। पर हाँ यहाँ पे मैंने भाई बहाना कोई नहीं मारा था, सीरियसली मेरी पिंग हाई थी। पर पिंग हाई में भी पहले से नॉक करा, फिर इसके दूसरे टीममेट को भी नॉक करा, अब बच रहा था तीसरा बंदा। और यार जरा एक बारी मेरी हीलिंग वगैरह पे देखो, मेरे पास कुछ भी हीलिंग नहीं है और M4 में एमओ भी खत्म हो चुका है तो मैं वाइजन उठा लेता हूँ यहाँ से। और यार ऐसे टीममेट बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे मेरे टीममेट ने मुझे 5 बैंडेज दे दी तो मैंने जो है बैंडेज लगानी शुरू करी पर भाई सामने टीम वाले बंदे रुक नहीं रहे थे बिल्कुल भी। लेजेंड के पास ऑलरेडी है। और यार जब तुम्हारी लो हेल्थ हो ना तो भाई सांप भी बनना पड़ता है। तुम ही बताओ यार यहाँ पे मैं करूँ क्या, मतलब थोड़ी सी मेरी पिंग आई है ऊपर से भाई हीलिंग भी नहीं है तो सांप बन के इस बंदे को मार दिया। और वैसे भी वो एक तरीके का तुम प्रोन एंड शूट कह सकते हो, मैं पहले से ही सांप बना हुआ था। फिलहाल पूरा जॉर्ज पुल तो हमने साथ में मिलके भाई क्लियर कर दिया था। उसके बाद हम आए सीधा गैराज पे, हमने यहाँ से उठाई डाजे और भाई सब बैठे एक डासे हमें और गए दूसरे बंदों को ढूंढने क्योंकि हमें चाहिए थे किल्स। और भाई गेम प्ले रिकॉर्ड करना था ना, विपक्ष ने स्टार्टिंग में कहा था कि भाई बताओ मतलब गेम प्ले कैसे रिकॉर्ड होता है। तो गाइस ये वो वाला मैच है जिसे कि मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि इस वाले मैच में जितने गलत सीन और भाई जितने फनी मोमेंट हुए ना भाई मेरे साथ किसी मैच में नहीं हुए। यहाँ पे हम बहुत दूर तक बंदे ढूंढ लेते हैं, हमें कहीं पे बंदे नहीं मिलते। उसके बाद आते हैं पोचिंकी, भाई आज तो पोचिंकी में भी बंदे नहीं मिले पर सामने दो बंदे भागते हुए दिखे और इन दो बंदों को जो मारा ना भाई सीरियसली बुरा लगा इनके लिए। वैसे मेरी ड्राइविंग का लाइसेंस तुम रद्द नहीं कर सकते क्योंकि भाई तुम्हारे भाई ने यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इन दोनों बंदों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। अब सामने मुझे एक फ्लेयर ड्रॉप दिखता है और मुझे जाना था भाई उस फ्लेयर ड्रॉप पे क्योंकि वहां पे बंदे मिलेंगे ही मिलेंगे। अब ये वाला फ्लेयर ड्रॉप जो है वहां पे पड़ा हुआ है बिल्कुल सामने, जो कि ब्रिज होता है उसके पास एक हिल होती है ना वहां पे पड़ा हुआ है। शेडिंग इसका मतलब जब कोई लड़की किसी लड़के को आकर्षण करती है अपने हुस्न का जलवा दिखा के उसे शेडिंग कहते हैं। अरे अरे पीछे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे जैसे ही आते हैं यहाँ पे रुकते हैं तो हमने यहाँ पे एक लोकेशन ट्रैकर फेंका ताकि भाई कोई बंदा इस घर में कैंप कर रहा हो तो वो दिख जाए, पर यहाँ पे कोई था ही नहीं। अब यार यहाँ पे आने पे तो हमारा पागल बन गया, वो बंदे एयर ड्रॉप कब का लूट के चले गए। पर तुम यकीन नहीं करोगे एयर ड्रॉप वाले बंदों को हमने पोचिंकी में पकड़ लिया। भाई देख रहे हो इन्होंने कहाँ पे एयर ड्रॉप लूटा था और हमने इन्हें कहाँ पे पकड़ा। सामने स्क्वाड हाउस में कई बंदे एक दूसरे के साथ भाई भिड़े पड़े थे बिल्कुल। मैं जा रहा हूँ कवर दियो। नहीं भाई साहब आयरन मैन का फूफा हो रहा बिल्कुल। यहाँ पे मैंने एक बंदे को तो नोक कर दिया था पर यहाँ पे नीचे भी बहुत सारे बंदे घूम रहे थे और भाई ये उनके लिए भी पैनिक सिचुएशन थी हमारे लिए भी। ऊपर वाले कोई मार लेते ना रुको भाई। अब यहाँ पे दो टीम थी, एक टीम को तो मैंने खत्म कर दिया और एक ये सामने वाली टीम है जिसने ये केज बना रखा है। ये वाला बंदा भाई बहुत ज्यादा फास्ट था, इनने यहाँ पे केज बनाया और कब मेरे को मतलब पीछे घुस गया बस के पता भी नहीं लगा। और नहीं हिलाऊंगा जिंदगी में।
अब यहाँ पे जैसे ही हमने ये बंदे मार लिए, उसके बाद हमने इन वाले बंदों की सारी लूट ले ली, और लूट लेने के बाद हमारा प्लान था कि भाई यहाँ से चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे और बंदे तो थे नहीं। अब जैसे ही हम गाड़ी उठाते हैं भाई, कुछ बंदे और फायर देने लगते हैं, और बंदे भी जो है बिल्कुल हमारे घर के साइड में ही थे, इस वाले घर में। ओ, इसमें भी है। एक बंदे को मैंने इधर नोक करा, एक बंदा इसके सामने था, और भाई विंडो से इतनी जल्दी कूदा ना, मुझे कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। ये बंदा मुझे नोक नहीं कर पाता, मुझे पीछे वाले बंदों ने नोक करा था, जिनका मुझे आइडिया भी नहीं था। पर गाइस कोई नहीं, अगर उन बंदों ने हमें नोक करा है तो भाई उन्हें डायरेक्ट जाके फिनिश करेंगे। एक बार जो है तुम बस ये फर्स्ट एड लगने दो, फिर उन बंदों की भाई कुटाई देखना, भाई कैसे मरेंगे ये बंदे। ओबे रिवाइव हो गया, दो ठीक है, वो रिवाइव हो गया, इधर से एंगल मिल रहा, चले गए। अभी जो है मेरे टीममेट्स मार्क कर रहे थे उन बंदों की पोजीशन, और भाई पोजीशन हमें पता भी थी उन बंदों की। मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ एसपी फेंकने की, पर भाई ये खिड़की मार के यहीं पे गिर गया, और इतने में ही जो है एक बंदे ने हमारे ऊपर पुश कर दिया भाई, इसी चीज का फायदा उठा के, कि हम सामने वाले बंदों से एंगेज है, वो भाई हमें मार देगा इजिली। पर ये इस बंदे की बिल्कुल गलत सोच थी, पहले इसे मारा, अब बारी थी सामने वालों की। All right, yeah, bro. Hello, brother. Enemies ahead. Brother, you know. Ho gaya. Watch out. भाई सच में इन बंदों ने पीछे से तो नोक कर दिया था, पर जब भाई मैं इनके ऊपर MK-14 लेके रश करा तो भाई ये बंदे को संभलने का मौका भी नहीं मिला। अब यार देखो लूट इन बंदों के पास काफी ज्यादा अच्छी थी, पर वही बात है ना भाई, सस्ते नशे कर रखे थे, बीड़ी पी के, मतलब यही पत्थरों के आसपास घूमे जा रहे, चर्च के आसपास घूमे जा रहे, और इसी तरीके से भाई पिट गए। यहाँ पे मेरे 16 किल तो हो चुके थे, और भाई विपक्ष ने कहा था गेम प्ले कैसे रिकॉर्ड होता है, तो भाई से 20 किल करके दिखाने ही थे आज मुझे। तो मैं सबसे पहले कहता हूँ, मैंने कहा जल्दी आ जाओ भाई, यहाँ पे थोड़े से ही बंदे बचे हैं, अगर वो बंदे कहीं और बंदों पे मर गए ना तो गेम प्ले रिकॉर्ड नहीं होगा। भाई मुझे एक बात का बुरा लग रहा है यार, दिल्ली के लिए ऑक्सीजन। अब गेम प्ले रिकॉर्ड करने में दिक्कत तब आती है जब भाई तुम्हें लोबी में बंदे ना मिले, या रश कर रहे हो तुम बार बार किसी कंपाउंड पे जाके, तुम्हें उस कंपाउंड पे बंदे ही ना मिले। पर इस बारी हमारी किस्मत अच्छी थी, मैंने यहाँ पे इस वाले कंपाउंड पे रश करा, यहाँ पे भी बंदे मिले। ना ना वो बात तो नहीं। बस तुम्हारे अंदर एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और भाई सीधा बंदों पे जाओ, रश करो, पहलो या तो मरो या भाई सामने वाले बंदों को मार दो। अब यहाँ पे मैंने रश करा था, इस वाले बंदे को मैंने मार दिया, अब दूसरी जगह हमने रश करा भाई, वहाँ पे भी हमें बंदे मिल गए। सबसे सुंदर है भाई बेंगलोर। पर यहाँ पे इस वाले मैच में मेरा एक फेवरेट सीन है, एक बंदा आएगा भाई बिल्कुल खतरनाक ड्राइविंग करता हुआ, और तुम मुझे बताना भाई वो बंदा कौन था। यहाँ पे तो सिर्फ तीन ही बंदे थे जिनमें से कि एक बंदे को नॉक कर दिया, दो अभी भी बच रहे हैं, और भाई इनके फोर्थ बंदे की एंट्री देखना, तुम कहोगे कि भाई क्या आता है। अब यहाँ पे इनका फोर्थ बंदा भाई पागलों की ढाल आ रहा था, और ऐसे ही पिट गया। और इससे भी तगड़ा इसका एक और टीममेट बहुत ज्यादा हरामी भाई, वो देखो घर में कैसे सो रहा था। मैं तुम्हें सच कह रहा, पबजी मोबाइल में इनके लिए ना भाई बेड वेड लगवाओ, क्योंकि इनका रहने का सिस्टम करवाओ भाई, इन्हें पबजी मोबाइल में सोना हगना मूतना भैया टट्टी वट्टी सब करेंगे। यहाँ सच बताऊं तो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ भाई मैं इन बंदों से, क्योंकि ये बंदे मार तो नहीं पाते, पर भाई पीछे से ऐसा डरा देंगे ना तांतिया बिच्छू की तरह भाई, ऐसा भाई डर डूर लग जाए यार, सांप मत बना करो। रिक्स
और गांड भी टूटते उससे। अब बच रहा था सिर्फ एक लास्ट का बंदा जिसे हम इजीली मार देंगे, पर यहाँ पे मुझे विपक्ष ने भाई एक खतरनाक जगह बताई। उस जगह पे मैं गया और भाई वहाँ से खतरनाक एंगल मिल रहा था। इसने कहा यहाँ पे दुछत्ती पे भाई बढ़िया बैठ जाओ, मतलब जैसे कोई तुम्हारे पे थ्री स्टोरी पे रश कर रहा हो पेलना शुरू कर दो। मैंने कहा यार ये जगह भी सही है। अभी फिलहाल हमारे पे रश नहीं हो रहा था, पर मेरा टीममेट नोक हो गया बेचारा। अब यहाँ पे जो लास्ट वाला बंदा था उसे मैंने मार दिया और मेरा टीममेट भी यहाँ पे बच गया। तो होप सो गाइस तुम्हें आज के लिए गेम प्ले वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस वाले वीडियो पे लाइक जरूर मारना, और अगर नहीं हो तुम इस वाले यूट्यूब चैनल पे तो सब्सक्राइब मारो और अपना बेस्ट पार्ट कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, यहाँ पे आकर तुम मुझे फॉलो कर सकते हो और अपडेट्स के लिए। और मैं मिलता हूं तुम्हारे किसी एक और न्यू वीडियो में किसी एक और न्यू गेम प्ले के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।